अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसानों ने बिजली विभाग के बाहर जमकर धरना दिया। समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विभाग के कर्मचारी बिना पैसे के काम तक नहीं करते। किसानों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं निकला। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि किसानों को समय पर बिजली तक नहीं दी जाती, इससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं विभाग के सहायक अभियंता ने आरोप को खारिज किया और साथ ही भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की बात भी कही। हमारा यही कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरासर निराधार है, ऐसे कोई शिकायत हमारे पास तो है नहीं कि कोई भ्रष्टाचार से संबंधित है या कुछ भी। इनका कहना है कि लैंडमैन पैसे भी ले रहे, गांवों में बिजली समय पर मिल रही नहीं है। मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि लैंडमैन द्वारा उपभोक्ताओं से पैसा लिया जा रहा है। इस संदर्भ में मेरे पास अभी तक कोई शिकायत आई नहीं है, आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे इसके लिए। गांव में बिजली समय पे नहीं आती, लाइन में समय पे आता नहीं, जेन फोन उठाता नहीं, किसानों के ट्रांसफार्मर बदलने 10-10 दिन तक किसानों के ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं, और जब बदलने जाते हैं तो वो ये पैसे मांगते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त है। जेन फ्यूज बांधने के लिए पैसे लेता, लाइनमैन कहता पैसे नहीं दे तो मैं आऊँगा नहीं, और लगातार ट्रिपिंग हो रही है और किसानों को बिजली दी नहीं जाए, और गाँवों में अनाज शनाप बिल आ रहे हैं, बिल की शिकायत लेके आते हैं तो ये यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, ऑफिस में कोई मिलता नहीं है, इतना हालत खराब है बिजली विभाग की यहाँ।